हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर निकल के आ चुकी है और काफ़ी सारे बच्चों को इसमें डाउट भी है। और ये कौन सी रिक्रूटमेंट है, क्या इसमें पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या फीस है और क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो बच्चा चैनल पर नया है, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो एडवर्टाइज निकाली गई है, नोटिस नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 4/24 है, और इसमें पोस्ट जो है वो लिफ्ट ऑपरेटर की है और सैलरी लेवल आपका जो है वो 25,500 से 81,100 के बीच में आपकी जो है सैलरी रहेगी। इसमें दो वैकेंसी है जो ओपन मेरिट और एससी कैटेगरी के लिए, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप घर बैठे भी अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो लिफ्ट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, जो ये पोस्ट है, इसमें दो वैकेंसी है, एक ओपन मेरिट के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको यहाँ पर 10th पास मांगी गई है। और हाँ, और मांगा गया है आईटीआई ट्रेंड इन इलेक्ट्रिक ट्रेड में, अगर किसी ने इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई किया है ट्रेड, तो वो जो ये अप्लाई कर सकता है। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरह से होगी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका रिटन एग्ज़ाम इसमें होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट आती है वो आती है रिस्टोर लेवल की, जिसमें 15,900 के बीच में 50,900 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें 12 वैकेंसी है, ओपन मेरिट के लिए 5 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ST2 के लिए 1, RBA, OBC, EWS, ALC के लिए सबके लिए एक एक है। और इसमें सिंपल आपको जो है 10th पास होनी चाहिए। और ये रिक्रूटमेंट जो है, जो रिस्टोरर की जो रिक्रूट पोस्ट है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है पंप ऑपरेटर की। पंप ऑपरेटर की सैलरी आप देख सकते हैं 15,900 से 50,900 के बीच है, एक ही वैकेंसी है, वो भी ओपन मेरिट के लिए, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10th पास और एक कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ट्रेड का, किसी में भी हो लेकिन ट्रेड का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपको जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपका इसमें होगा, इसमें रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है लास्ट आपकी गार्डनर की पोस्ट, 14,800 के बीच में जो सैलरी रहेगी 50,000 तक, 10 इसमें पोस्टें हैं और यहाँ पर वैकेंसी है 10, और ओपन मेरिट को 4 है, बाकी कैटेगरी को एक एक वैकेंसी दी गई है। 10th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 8th पास इसमें मांगा गया है। और ये सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है, ये नहीं है कि जिसने 10th 12th करी है तो वो जो अप्लाई नहीं कर सकता है, वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से कहीं से भी हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 तारीख से फॉर्म जो है ये ऑनलाइन हो चुके हैं और 10 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, बिल्कुल कम टाइम आपके पास है। और टोटल जो है 25 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से ऊपर और 40 तक एज रखी गई है, ओपन मेरिट को 40 तक, SC ST को 43 तक है, अगर कोई फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स है तो 42, एक्स सर्विस मैन है तो 48, और 40 ईयर्स रखी है वो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि जिनकी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है और इसमें जो टाइम दिया गया है वो बिल्कुल कम टाइम दिया गया है, और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, ठीक है, क्या सैलरी है, और एज भी आपको बता दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।